हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का टॉपिक है फ्रूट्स विच हेल्प यू इन फिटनेस। ऐसे फ्रूट्स जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में, वेट लॉस में, वेट गेन की जर्नी में, या फिर अगर आपको अपनी बॉडी पे हेल्दी भी रखना है तो उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। वैसे तो सारे फ्रूट्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन ये कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं खाता हूँ, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इनका। मैं मिक्स फ्रूट सैलेड खाता हूँ, मेरा जो स्टॉक है वो आ चुका था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो ये जो पहला फ्रूट है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फ्रूट है। अगर आप इसे ले सकते हो, आपके पास मिलता है, तो ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्दी रखेंगे अंदर से। एंड इसके बाद है हमारा कीवी। कीवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। अगर आपके फादर को या फैमिली मेम्बर किसी को डायबिटीज़ भी है, तो कीवी को ज़रूर आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आपको स्लीपिंग के रिगार्डिंग इशू है, या फिर नींद नहीं आती, या फिर अगर आप डिप्रेशन में हो, या फिर अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो, तो आपको कीवी ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर सेरोटोनिन पाया जाता है। सेरोटोनिन जो होता है वो आपकी जो मेडिसिन है आप उनमें भी देख सकते हो, उसमें भी सेरोटोनिन ऐड होगा। ये आपकी स्लीप में काफ़ी हेल्प करता है सेरोटोनिन। फिर आपका ग्रेप फ्रूट जो है इसकी अलग खासियत है, ये ग्रेप्स नहीं है, फ्रूट का नाम ग्रेप फ्रूट है। जब मैं अभी खाऊंगा तो मैं वीडियो के दौरान और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। फिर है हमारा पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट जो है मतलब अनार। अनार जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासियत होती है हमारे खून के बहाव को बढ़ाने की। जो भी आप खाना खाते हो वो खाना पच के आपके पेट से आपकी आंतों में जाता है, आंतों में सारा सब कुछ एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाता है। जितना बेहतर आपका ब्लड फ्लो होगा उतना बेहतर आपका मसल गेन करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना बेहतर आपका ब्लड फ्लो होगा उतना बेहतर आपका बॉडी मसल गेन करेगा। अनार आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ में जो चुकंदर है वो भी आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाने में हेल्प करता है, तो अपने खून का भी ध्यान रखो। ये है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जो है ये आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। अभी मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ इसलिए मैं ये सारे फ्रूट्स को इंटेक कर रहा हूँ। एंड ये है आपका एप्रिकॉट, मैं खाऊंगा इसका मिक्स फ्रूट सैलेड। एंड खाते खाते मैं आपको इनके जो बेनिफिट्स हैं उनको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey guys, so finally हमारा जो मिक्स फ्रूट सैलेड है वो रेडी है। ये है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में सबसे ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जितना किसी वेजिटेबल या फ्रूट में नहीं पाया जाता है। सबसे उससे ज़्यादा आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स आपको ब्लूबेरी में पाया जाएगा। ब्लूबेरी की खासियत ये होती है कि ये आपको एजिंग से रोकती है, आपके जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाती है, आपको कैंसर तक से बचाती है, इतनी ये हेल्पफुल होती है ब्लूबेरी। तो अगर आपको मिले अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किस पे करोगे। फिर कीवी है। कीवी का मैंने आपको बता दिया है, कीवी के अंदर सेरोटोनिन पाया जाता है जो कि स्लीप में हेल्प करेगा। बाकी इसके अंदर भी एंटी ऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स एंड वाइटमिन पाए जाते हैं। फिर आपका है ग्रेप फ्रूट। इस फ्रूट का नाम ग्रेप फ्रूट है, ये ग्रेप्स नहीं है। और ये जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट की सबसे अच्छी बात ये होती है, ये आपका लो इन कैलोरीज होता है, हाई इन इस फ्रूट की सबसे अच्छी बात ये होती है, ये आपका लो इन कैलोरीज होता है, हाई इन न्यूट्रिशन होता है। ये जो फ्रूट है इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो आपके डाइजेशन को स्लो करते हैं, और आपका जो डाइजेशन का टाइम होता है, पाचन तंत्र मतलब पचाने का टाइम, उसको बढ़ा देते हैं। अगर आपके पचाने का टाइम बढ़ जाता है तो आप अपने आप थोड़ा कम खाने लग जाते हो, बिकॉज बॉडी को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, क्योंकि बॉडी बिजी होती है, आपका स्टमक बिजी होता है खाने को पचाने में पहले ही, जिसको आप खा चुके होते हो। फिर है हमारा एप्रिकॉट। एप्रिकॉट में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, और इससे इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद है हमारा ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मूव कर पाता है आपकी बॉडी में। और ड्रैगन फ्रूट आपकी प्रीबायोटिक के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो कि आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से खाना एब्जॉर्ब होगा, खाना लगेगा, जिससे बॉडी आपकी ग्रो करेगी, और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रांग करता है, बिकॉज इसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो लर्न टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। ये है हमारा मिक्स फ्रूट सैलेड, जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारे विटामिंस, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, जो मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो मेरी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये महंगे आते हैं। यस, दे आर एक्सपेंसिव, बट
नॉर्मल जो फ्रूट होते हैं एप्पल बनाना, आप उनको तो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज उनमें भी यही कंटेंट पाया जाता है. बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. उनके ऊपर भी मैं अच्छा खासा वीडियो बना दूंगा. सब्सक्राइब माई चैनल, डू प्रेस द लाइक बटन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे सेम नेम से ढूंढ सकते हो, fitness.tycoon_. आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो. थैंक फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.